गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स. टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर 14 फ्रॉम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज. ओके, ल्यूमिनस बॉडीज का मतलब होता है कि जो प्रकाश देती हैं या जिसमें से प्रकाश निकलता हो उसे ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं, और जिसमें से प्रकाश न निकले, जिसमें से लाइट न निकले उसे नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं. एग्जांपल के तौर पर ल्यूमिनस बॉडी में अगर देखा जाए तो सन, स्टार्स, ग्लोब आर्म जुगनू जिसको बोलते हैं, लाइटेड बल्ब, लैंप, बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा, ये सब ल्यूमिनस बॉडी में आते हैं. नॉन ल्यूमिनस बॉडी में अब इसके बाद जितनी चीज़ों में से लाइट नहीं निकलता है उन्हें नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं. तो ये भी ल्यूमिनस सब्जेक्ट जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, मैन मेड नेचुरल कल बता चुका हूँ. तो नॉन ल्यूमिनस बॉडी भी जो होती हैं वो भी डिवाइड की जाती हैं. नॉन ल्यूमिनस बॉडी जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट नंबर है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस या ट्रांसपेरेंट बॉडीज. वो बॉडीज हैं जिनमें से आर पार लाइट पास हो सके, मींस दोज बॉडीज थ्रू विच लाइट कैन पास, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया, इस तरह से और कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें से लाइट रेज आर पार जा सकती हैं, इन्हें हम ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहते हैं. ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि जिस बॉडी के आर पार क्लियर उस न दिखा जा सके, कुछ परसेंट में लाइट आती है पर 100% लाइट नहीं आती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. जैसे पन्नी है जिसको पॉलीथीन बोलते हैं, वो ट्रांसलूसेंट है. या हमका एक ग्लास है, मिल्की कलर का अगर ग्लास होगा तो वो ट्रांसलूसेंट होगा. लाइट तो आएगा बट क्लियर उस पार हम नहीं देख सकते हैं कि उस पार क्या है, ये ट्रांसलूसेंट हुआ. फिर ओपाक बॉडीज में से कोई परसेंटेज लाइट इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी, ना तो उस पार से इस पार आ पाएगी. तो अपाक में से लाइट आर पार नहीं हो सकती है. ट्रांसपेरेंट में से ज़्यादा परसेंटेज 90 या उससे ऊपर परसेंटेज की लाइट आर पार आ सकती है, जा सकती है. ट्रांसलूसेंट में सम कुछ परसेंट लाइट आती है, कुछ परसेंट नहीं आ पाती है. ये है थ्री नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट थ्री टाइप के हुए. अब उसके बाद हम आपको बताते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है, मींस लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में चलती है, टेढ़ी लाइन में नहीं चलती है. हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? या देखिए, हम रूम के अंदर बैठे रहते हैं तो सनलाइट अंदर नहीं आती है, क्योंकि सन के सीध में जहाँ जहाँ जगह होता है वहाँ पर धूप जाता है. रूम के अंदर धूप नहीं आ पाती क्योंकि लाइट टर्न नहीं हो सकती है, कर्व लाइन में नहीं मूव कर सकती. तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट सीधी रेखा में चलती है. मान लीजिए एक कैंडल है हम रख लिए, और एक पाइप ले लेते हैं, खोखली पाइप. हम उसको अगर उस पाइप के द्वारा देखना चाहें तो जब पाइप सीधी रहेगी तभी हम कैंडल को देख सकते हैं पाइप के द्वारा. आँख पाइप के अंदर डालेंगे, जब पाइप सीधी रहेगी तभी दिखेगा, टेढ़ी रहेगी तो नहीं दिखेगा. तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट प्रोपगेट्स इन स्ट्रेट लाइन. अब एक आता है आपका पिन होल कैमरा. पिन होल कैमरा एक टाइप का कैमरा है, मतलब एक टाइप का क्यूबॉइड बॉक्स होता है. बॉक्स में एक साइड हम पिन से होल कर देते हैं, और नाइट में उस होल के सामने अगर बर्निंग कैंडल रख देते हैं तो उसका इमेज
जहाँ पर जिस फेस पर पिन होल है उसके अपोजिट फेस पर उसी का उल्टा डायग्राम, बर्निंग कैंडल का उल्टा डायग्राम बन जाता है और इसी को बोलते हैं पिन होल कैमरा। तो इसमें एक बॉक्स, क्यूबॉइड बॉक्स रहेगा, उसमें एक तरफ से पिन से होल कर देंगे और उस होल के सामने जब बर्निंग कैंडल रखेंगे, बर्निंग कैंडल का इमेज कहाँ बनेगा, बॉक्स के अंदर बनेगा, उल्टा डायग्राम बनेगा, इसी को कहते हैं पिन होल कैमरा। ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई कंप्लीटेड दिस, टुमारो आई विल स्टार्ट फ्रॉम शैडो। ओके, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।